तो गाइस अब हम उठ चुके हैं और अब हम लोगों ने नाश्ता करना है, मतलब अब आज शायद हमें पप्पू नाश्ता बना के देंगे। और मैं आपको अभी बच्चों की हालत दिखाता हूँ। फिलहाल अभी ये चल रहा है। और गाइस ये देखें, ये मैं एक पापा के दोस्त बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे गिफ्ट दिया था, ये इसको गिफ्ट मिला था। और जो उसका राज है वो अंदर भी जा रहा है, अंदर खेल रहा है और देखते हैं उसको। गाइस अचानक से सारे बच्चे लड़ाई हो रही है, देखें गाइस जिसको अभी कोई नहीं खिला रहा था बेचारे को, तो इसने गाड़ी पकड़ी और खुद ही खेलना शुरू किया। और ये देखें ये दोनों चोर मिल के खेलते हैं। ये लोग ऐसे खेलते हैं, मतलब ये पूरा हाउस बना के, तो जैसे होते हैं बच्चे खेलते हैं और इस तरह से ना वो रियल में इस तरह का ना बना के गेम। ये देखें आप इसका घर, ये मेरा फ्लोर है, नीचे वाला दूसरे का फ्लोर है और ये नीचे वाला दूसरे का फ्लोर है। नहीं और ये कौन है जी? ये मेरी बहन है। अपना नाम बताएं। मरोज। मरोज ये क्या है? पॉप शाइफ का वो डब्बा, ये पॉप मतलब मैंने उसको क्या कहते हैं, पॉपिट को सर्फ का डब्बा बनाया हुआ है। ये देखो निकल आया, लोग मैंने सर्फ का डब्बा मशीन में फेंक दिया। चलते हैं यार हम लोग बीरी के साथ खेलते हैं। अभी देखना हम उसके ऊपर प्रैंक करने लगे। वो देखो महावीर वो क्या है, सारों की तरह निकल आया। तो गाइस हम दोनों ने नाश्ता कर लिया, मैंने और अलियान ने, और अभी सारे छोटे नाश्ता कर रहे हैं मिक्की वाली। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दो मिनट में आपको दिखाता हूँ इन लोग का सीन क्या चल रहा है। इधर सारे लड़ाई कर रहे हैं पराठों पे, वो मौसी बैठी है, ये बलाज, ये मिक्की। और गाइस मैं आपको अलियान भी मिलवा दूँ। अलियान मेरा थोड़ा सा बिजनेस कर रहा है, हमने मेन बिजनेस, तो अलियान चड्डी डॉन बना रहा है उसको। ओए अरे बल्लू नदीदा खाना खा रहा है। ओए नदीदे वो बीरा बदमाश है। बीर हेलो करो, हेलो मोशी, हेलो करो मोशी, हेलो करो, हेलो हेलो, तुम्हें नहीं कहा हेलो, वेरी गुड वीर, तुम भी हेलो करो, हेलो हेलो। लेकिन कर ही रहा था, लेकिन मुझे पप्पू ने काम दे दिया कि दूध को देखो। हाँ यार ये दूध उबाले पे रखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे इसको देखना पड़ेगा। बला ऐसे भी कर लेता हूँ, मैंने अभी अभी नया नया सीखा, थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं यार, ये बड़ी मुश्किल से होता है। ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, क्लास के बच्चे हैं, वो कर लेते हैं। अभी मिक्की सबको तंग कर रहे हैं, फिलहाल वो मुझे ब्लॉगिंग भी नहीं करने दे रहा, फिर भी मैं सारे कुछ करते हैं। और अब देखते हैं वो बोला आया कि नहीं। ना यार अभी तक तो नहीं आया, चलो कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर हम चलते हैं बाहर, ठीक है? फिर हम उधर ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है? उस तब तक हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछली दफा मैंने दूर गिरा दिया था और मुझे बड़ी चपेटी में पड़ी थी। और ये देखें बाहर बच्चों की हालत, अभी देख सकते हैं आप लोग। ये देखें भाई, ये तो तीन चार दफ़ा नाश्ता कर लेते हैं, फिर ऐसे को ना डाइट अपनी फिट रखते हैं, तभी इसके टिकटॉक पर बहुत जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़े हैं। मैं स्नैक में बैठा हूँ, मैं सोच रहा मैं भी टिकटॉक पे ना हो जाऊँ, अब आज से मैं टिकटॉक पे बनाया करूँगा। मैंने छोड़ो यार स्नैक वीडियो को,
मतलब वीडियो तो मैं रोज़ डाला करूँगा, वो भी मेरे 112 या 113 फॉलोअर्स हैं। लाइक मेरे बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, फॉलो पता नहीं बहुत कम है लेकिन लाइक्स बहुत ज़्यादा है। और अब बस हम लोग क्या कहते हैं, दूध को देखते हैं, फिर अगर उबाला आ गया तो हम चलते हैं। हाँ यार अभी तक नहीं आ रहा, उबाले को पता नहीं आता है यार, मैं बहुत थक गया हूँ। तो गाइस यार इतना थक गया कि मैं अभी खड़ा भी नहीं हो सकता, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। पापा ने मुझसे टेस्ट लिया, मेरी एक तक कभी नहीं निकली यार, भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, मतलब कि मेरी एक गलती तक नहीं निकली यार। तो पेपर में मैं तो फर्स्ट हूँ यार, बेशक और सब्जेक्ट में थोड़ा सा हो सकता हूँ लेकिन मैथ और इस्लाम, मैथ उर्दू इनमें तो मैं टॉप में हूँ यार। बहुत मतलब दिल को ऐसा कुछ हो रहा है जैसे जैसे कि मतलब बहुत खुशी हो रही है यार, इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकता यार। ओके यार अभी मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है, और भाई मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा, प्रॉमिस सच चाहिए, मेरी कुछ ही गलतियाँ निकली हैं। हाँ मैं कह रहा था एक गलती भी नहीं निकली मेरी, सिर्फ पूरे टेस्ट में से ना 5 गलतियाँ, सिर्फ 5 गलतियाँ निकली यार। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, उफ यार मैं बता भी नहीं सकता। और आज हम लोगों ने चावल भी बांटे, और जो बाहर चावलों उन लोगों ने बांटे थे ना, है ना, बाहर वाले जो हम गली के लोगों ने, वो सिर्फ उनमें से चावल तो बहुत मज़े के हैं, और हमने बिरयानी बना रहे हैं, वो फिर हम बिरयानी बांट लेंगे, और बाकी सब ने दे के मंगवाई हैं। हमारे पापा को नहीं पसंद इतना कि हम बाहर से खाना मंगवाएं, और हमें भी नहीं इतना पसंद बाहर का खाना, क्योंकि हम लोगों को ना अंदर घर का ही खाना पसंद है। क्योंकि पहले ना पापा ने होटल खोला था, वो ना उन्होंने सेल कर दिया, तो उस होटल में ना क्या कहते हैं हमारा ना बहुत बहुत पैसे आते थे, और अब तो हाँ बहुत पैसे आते हैं, लेकिन ना वो जो है ना होटल, उसमें वो जो हमने सेल कर दिया था वो ना एक बहुत गंदा वो खाना, मतलब टेस्ट इतना अच्छा था लेकिन वो लोग कॉकरोच पता नहीं क्या क्या बीच में मसल के कुचल देते थे। हमने उस आइंदा से हमने होटल से बहुत कम खाना खाते हैं हमने उस दिन के बाद, ये KFC और हम लोग बस KFC और मैकडोनल्ड्स वगैरह हम कभी कभी जाते हैं, क्योंकि हमें भी उन पर भी इतना यकीन नहीं है, शायद वो भी कर देते हों इस तरह से। फिर हम लोग बस Cafe 22 में जाते हैं, वो क्योंकि ना हमारे पापा का है, वो पापा के फ्रेंड का है, इसलिए ना हम वहाँ पे चल जाते हैं। वो उधर ना उनका वो बहुत अच्छा तरीका, मतलब वहाँ पे ना कुछ भी नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं डालते कि जितना कॉकरोच ये मक्खियाँ वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती उनका, बिल्कुल अच्छा और मज़े का खाना होता है। और गाइस हमने वो देखा ही होगा, वो जो जूहे में पार्क सा बना होता है जिसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ें बनी होती हैं, उसमें आप गए होंगे। ये ना जॉयलैंड की बात कर रहे हैं, हम लोग बस KFC और मैकडोनल्ड्स वगैरह हम कभी कभी जाते हैं, क्योंकि हमें भी उन पर भी इतना यकीन नहीं है, शायद वो भी कर देते हों इस तरह से। फिर हम लोग बस Cafe 22 में जाते हैं, वो क्योंकि ना हमारे पापा का है, वो पापा के फ्रेंड का है, इसलिए ना हम वहाँ पे चल जाते हैं। वो उधर ना उनका वो बहुत अच्छा तरीका, मतलब वहाँ पे ना कुछ भी नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं डालते कि जितना कॉकरोच ये मक्खियाँ वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती उनका, बिल्कुल अच्छा और मज़े का खाना होता है। और गाइस हमने वो देखा ही होगा, वो जो जूहे में पार्क सा बना होता है जिसमें बहुत ही खतरनाक चीज़ें बनी होती हैं, उसमें आप गए होंगे। ये ना जॉयलैंड की बात कर रहे हैं, सुबह से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी जा रही है। अभी अलियान का उर्दू का पेपर है तो उर्दू की तैयारी कर रहा है, और मेरा इंग्लिश का पेपर है तो मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ। आपको और गाइस अब मेरी उर्दू की तैयारी हो चुकी, अब बस थोड़ा मेरी भी जो पापा कर लेंगे, मेरी भी हो चुकी है, बस अब मेरी एक कॉम्प्रिहेंशन रहेगी, वो मेरा कल होगा। अभी तैयारी तो अच्छी जा रही है लेकिन ना फिर भी हमें दुआओं की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मैंने कोई नहीं लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट। और ये अलियान का गांव है, ये गाइस ये मेरा सेकंड लास्ट टेस्ट था, अब इसके बाद आखिरी टेस्ट जो है वो कल होगा, उसके बाद मैं फ्री के पेपर से, फ्री के पेपर से, वो तो मैं भी हो गया। तो गाइस
मोबाइल में जल्दी से अपना सामान पैक कर देता हूँ। चलो भाई, तो मेरी भी एप्लीकेशन रख लो अपने प्रिंसिपल को दे। तो गाइस ये है हमारे व्लॉग का एंड। तो हमारा तो दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, आपका भी यकीनन काफ़ी अच्छा गुजरा होगा दिन। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो ये हमारे व्लॉग का एंड है, बाय बाय।